राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आबकारी विभाग ने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन परिसरों में शराब की दुकानें खोलने का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद अब अधिक संख्या में लोगों तक इसकी बिक्री की जा सकेगी। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बदरपुर, द्वारका, करोल बाग, रजौरी गार्डन और मुंडका सहित बड़े परिसरों वाले मेट्रो स्टेशन पर आधा दर्जन से अधिक शराब की दुकानें खोली गई हैं। उन्होंने बताया कि अन्य मेट्रो स्टेशनों पर सरकारी उपक्रमों द्वारा शराब की दुकानें खोलने की अनुमति के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC से संपर्क किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं, आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मेट्रो स्टेशन में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये शराब उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने और इससे अधिक राजस्व अर्जित करने का एक बड़ा कारक बनेगा। कुछ बड़े मेट्रो स्टेशन परिसर में पहले ही दुकानें खोली जा चुकी हैं और अन्य में जल्द ही खुल जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि DMRC ने दिल्ली कंज्यूमर कॉरपोरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड को आधा दर्जन से अधिक मेट्रो स्टेशन पर शराब की दुकानें खोलने के लिए व्यावसायिक शर्तों पर निर्मित दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।